पाकिस्तानी एक्टर फिरोज खान पत्नी संग तलाक को लेकर खबरों में चल ही रहे थे, वहीं अब उनकी पत्नी अलीजेह ने उन पर एक और आरोप लगा दिया है। फिरोज खान पाकिस्तान के एक जाने माने एक्टर हैं, जो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ये अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ समय पहले एक्टर की पत्नी अलीजेह ने इनसे अलग होने की घोषणा की थी, साथ ही उनके ऊपर कई घरेलू हिंसा के आरोप भी लगाए थे। दोनों के तलाक से जुड़ा ये मामला कराची कोर्ट में था। इस बीच खबर ये आ रही है कि अलीजेह ने फिरोज पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। अलीजेह ने बताया कि पाकिस्तानी एक्टर फिरोज उसे बंदूक से डराते थे। उन्होंने कोर्ट में एक बड़ा बयान दिया, कहा कि फिरोज उनकी पिटाई किया करते थे, साथ ही सिर में बंदूक रखकर उन्हें डराया भी करते थे। हालांकि पाकिस्तानी एक्टर फिरोज खान ने इस आरोप को मानने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में अलीजेह ने यह भी कहा कि उनका बेटा एक महंगे स्कूल में जाता है, साथ ही देखभाल में खूब पैसों का खर्च आता है, जो नौकरी ना होने के कारण वह पूरा नहीं कर सकती, इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए फिरोज उन्हें 2 लाख रुपए महीना दे। हालांकि फिरोज ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने सिर्फ 20,000 रुपए महीना देने की बात कही है। गौरतलब है कि फिरोज खान और अलीजेह 4 साल पहले 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे, जिसके बाद दोनों 2 बच्चों के माता पिता भी बने। हालांकि अचानक तलाक की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में और अभी क्या क्या कुछ सामने आने को रह गया है।